हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल फैज ड्राइव। गाइस, इस वीडियो में आज मैं आपको पूरा क्लियर करने वाला हूँ, कार्बोरेटर बेस्ट है या फ्यूल इंजेक्शन बेस्ट है। अब जाहिर सी बात, आप जानते हैं एफआई गाड़ियाँ ही अभी मिलती है, कार्बोरेटर बंद हो गई है। लेकिन अपनी इंडिया की पॉपुलेशन ज़्यादातर मैक्सिमम लोग ऐसे हैं जो नई नई सेकेंड हैंड गाड़ी परचेस करते हैं। उसमें आपका कन्फ्यूजन मैं क्लियर कर दूंगा, आपको कार्बोरेटर लेना चाहिए या फ्यूल इंजेक्शन लेना चाहिए। दोनों के नेगेटिव पॉजिटिव अच्छे पॉइंट्स में पूरे शॉर्ट में आपको बहुत इजी तरीके से क्लियर करके बता दूंगा। इसको समझने के लिए सबसे पहले ये मैं बता दूं आपको कि कार्बोरेटर वाला इंजन होता क्या, एक्चुअली क्या होता है। जब आप कार्बोरेटर वाली गाड़ी स्टार्ट करते हैं तो स्टार्टिंग से ही जो चलती है वो एयर और फ्यूल दोनों के मिक्सचर से चलती है। ये हो गया आपका कार्बोरेटर। वहीं एफआई की अगर बात करें, एफआई जो अभी आ रहे हैं उसमें क्या होता है, पहले फ्यूल आता है, फिर जो इंजेक्टर होता है वो फ्यूल को स्प्रे करता है सिलेंडर में, उसके बाद एयर और फ्यूल का मिक्सचर होता है, फिर आपका एफआई इंजन वाली गाड़ी चलती है। ये बेसिक सा मैंने इंट्रो आपको बता दिया है। देखिए, अब आता है ऑपरेशन कंट्रोल, कौन सा बेहतर है। देखिए, जैसा कि मैंने आपको बताया, कार्बोरेटर में एयर और फ्यूल का मिक्सचर मैन्युअली हाथ से सेट किया जाता है। मतलब जो आपने एक बार सेट कर दिया वो उसी फ्लो में चलता रहेगा जैसे भी आप गाड़ी चलाएं। लेकिन वहीं एफआई इंजन की बात आती है तो उसमें ये होता है भाई कि उसमें एक ईसीयू लगा होता है, इलेक्ट्रॉनिक कंट्रोल यूनिट, जो सारे सेंसर को डिटेक्ट करता है। जैसे आप ले लें थ्रोटल पोजीशन सेंसर, थ्रोटल एक्सेलरेट, मतलब ये रेस देने को कहते हैं थ्रोटल, थ्रोटल पोजीशन सेंसर आता है आपका। दूसरा आपका आता है क्रैंकशाफ्ट सेंसर, तीसरा आता है कैमशाफ्ट पोजीशन सेंसर। ये सब सेंसर ऐसे आते हैं, इनको डिटेक्ट करके वो गाड़ी को चलाता है। तो एफआई में क्या होता है, कंट्रोल्ड वे में गाड़ी चलती है। आपको कब तेज़ चलाना है तो कब कौन सी चीज़ कैसे वर्किंग करनी है, स्लो चलाना है तो कौन सी चीज़ कैसे वर्किंग करेगी, ये एफआई में फ़ायदा हो जाता है। वहीं कार्बोरेटर में एक बार जैसा सेट कर दिया वैसे ही चलती है। अब आती है माइलेज की बात, मेन चीज़ जो माइलेज होता है। देखिए भाई, सिंपल सीधी बात है, बहुत सी गाड़ियाँ ऐसी हैं कार्बोरेटर वाली जो ज़्यादा माइलेज देती हैं। चलाने पे निर्भर करता, सबसे पहले तो मैं बता दूं, जो आपका एवरेज है चलाने पे बहुत निर्भर करता है। लेकिन टेक्निकल वे में अगर मैं आपको बताऊं तो कार्बोरेटर में एक बार आपने सेट कर दिया एवरेज, आप देखते होंगे कहीं पे भी आप जाते होंगे, पेचकस बताता है यूँ करके, यूँ करता है मैकेनिक और सेट हो जाता है, तो वो वही एवरेज आपको मिलता है, बंधा हुआ एक एवरेज वो मिलता है आपको। लेकिन वहीं फ्यूल इंजेक्शन की बात करें तो ये कंट्रोल्ड वे में बाइक को चलाता है। मतलब जब आप धीरे चल रहे हैं तो उस तरीके से चीज़ें वर्क करेंगी, सेंसर डिटेक्ट करके, जो ईसीयू सेंसर को डिटेक्ट करेगा उस हिसाब से गाड़ी, जब आप तेज़ चलाएंगे तो वो उस हिसाब से मैकेनिज्म काम करेगा। तो कब गाड़ी को कैसा परफॉर्म करना है एफआई को पता है, तो उसमें आपको थोड़ी फ्यूल एफिशिएंसी ज़्यादा मिल जाती है, क्योंकि कंडीशन के हिसाब से आपको आपकी गाड़ी को रन करता है। वहीं कार्बोरेटर में एक बार जो सेट कर देते हैं तो वैसे ही होता है। तो कहा जाता है टेक्निकली फ्यूल इंजेक्शन में एवरेज आपको ज़्यादा मिलेगा। देखिए, अब आती है इंजन परफॉर्मेंस की बात। अब परफॉर्मेंस की बात करें तो एक वीडियो में मैंने देखा था, उसका एग्जांपल देके मैं आपको बताता हूँ। टीवीएस की अपाचे आरटीआर 164 भी आती है, जो कार्बोरेटर में भी आती है और फ्यूल इंजेक्शन में भी आती है। अब उसका कार्बोरेटर वाला वर्जन अगर अपन लें तो उसमें आती है 16.5 पीएस की पावर 8000 आरपीएम पे। वहीं सेम इसका अगर एफआई वाला वर्जन ले लें तो उसमें आती है 16.8 पीएस की पावर 8000 आरपीएम पे, 0.3 बढ़ गया। तो जाहिर सी बात है टॉप स्पीड आपको एफआई में ज़्यादा अच्छी मिल रही है, मतलब परफॉर्मेंस और पावर आउटपुट जो है आपका एफआई इंजन में आपको ज़्यादा बेहतर मिलेगा। अब भाई मेंटेनेंस और रिपेयरिंग की बात करें तो यहाँ पे जो है कार्बोरेटर जीत जाती है। वो इसलिए जीत जाती है भाई, देखिए कार्बोरेटर में सब चीज़ें मैनुअली सेट होती है तो उसका मेंटेनेंस ईजी होता है, रिपेयरिंग भी बहुत ईजी होती है, आप घर पर भी कर सकते हैं और कोई भी नया मैकेनिक भी कर सकता है। वहीं एफआई की बात करें तो मैंने आपको बताया उसमें ईसीयू होता है, इलेक्ट्रॉनिक कंट्रोल यूनिट, तो सब चीज़ें जो होती हैं ईसीयू के द्वारा चलती हैं, तो वो थोड़ा सा रिपेयर करने में मुश्किल होता है, मेंटेनेंस हाई होता है उसका। अब आती है बेटर कोल्ड स्टार्ट की बात। देखिए, बेटर कोल्ड स्टार्ट से मेरा मतलब ये है कि ठंड में ज़्यादातर देखा होगा आपने कार्बोरेटर वाली गाड़ी ठंड में प्रॉब्लम करती है, आपको चोक लेना पड़ता है फिर उसे स्टार्ट करना पड़ता है तो वो स्टार्ट हो जाती है। क्योंकि देखिए, इसमें मैं आपको बताऊं चोक, देखिए आप सबको पता है कि चोक होता है गाड़ी में, लेकिन एक्चुअल चोक की वर्किंग क्या होती है मैं आपको बताऊं। जब जो चोक होता है नॉर्मल कंडीशन में, आपने देखा होगा बहुत सा टाइम आपका पेट्रोल ख़त्म हो जाता है, जब आप चोक खींचते हैं तो गाड़ी चली जाती है 2-1 किलोमीटर तक। वो इसलिए जाती है भाई क्योंकि मैंने आपको बताया कार्बोरेटर एयर और फ्यूल के स्टार्टिंग से ही एयर और फ्यूल के मिक्सचर से चलता है। तो जब आप चोक को खींचते हैं पेट्रोल आपका ख़त्म होता है, तो जब चोक नहीं खींचाता उसके पहले अपन रेशियो मान लेते हैं
कि 3% एयर आ रही थी और 1% फ्यूल आ रहा था। एक एग्जांपल बता रहा हूँ मैं, 3% एयर आ रही थी, 1% फ्यूल आ रहा था नॉर्मल कंडीशन में जब पेट्रोल था। जब पेट्रोल खत्म हुआ आपने चोक खींचा तो जो 3% एयर है ना वो मात्र 0.5% एयर हो जाएगी और 1% पेट्रोल ऐसा कैसा आएगा। तो पेट्रोल की मात्रा ज़्यादा आती जिसकी वजह से आप पेट्रोल टैंक तक पहुँच जाते हैं। अब FI में चोक वोक का फंडा होता है नहीं, तो FI नॉर्मली जहाँ ख़त्म हुई वहाँ खड़ी हो जाती है। अब इस एग्जांपल से आप समझ सकते हैं कि बेटर कौन सी है। हालांकि कोल्ड स्टार्ट में बेटर FI है, FI जल्दी स्टार्ट हो जाती है, कार्बोरेटर में टाइम लगता है काफ़ी ठंडी अगर खड़ी हो गई तो। भाई अब आती है इंस्टॉलेशन की बात। देखिए भाई इंस्टॉलेशन में सीधी सिंपल भाषा में आपको बताऊं तो कार्बोरेटर में कोई भी इलेक्ट्रिकल पार्ट्स या इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट यूज़ नहीं किया जाता है, तो उसका इंस्टॉलेशन बहुत ईजी है, मैनुअली हाथ से आप कर सकते हैं। वहीं अगर FI इंजन की बात करें तो उसमें इलेक्ट्रिकल पार्ट्स भी आते हैं, इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स भी होते हैं और उनकी कोडिंग वगैरह सब होती है, तो वो डिफ़िकल्ट होता है इंस्टॉल करने में, निकालने में, रिपेयर करने में। ये डिफरेंस होता है इंस्टॉलेशन में दोनों के बीच में। अगला पॉइंट आपका आता है पॉल्यूशन का, मतलब कार्बन एमिशन कौन सी गाड़ी ज़्यादा करती है। अब जैसे कि आप जानते हैं भाई BS3, BS4, BS6 ये जो गाड़ी निकल के चली गई, सॉरी आवाज़ डिस्टर्ब हुई उसके लिए, ये BS जो निकलते हुए जा रहे हैं इसको बढ़ाती जा रही है गवर्नमेंट इसलिए ताकि पॉल्यूशन कम हो। जो नॉर्म्स लाती जा रही है, जितने BS बढ़ते जाएंगे उतना पॉल्यूशन कम होता जाए, उस नॉर्म्स को व्हीकल्स को फॉलो करना पड़ेगा वरना वो अपने व्हीकल को कंटिन्यू नहीं रख सकते। उसका मतलब सीधा सिंपल ये है। और बाइक जो गैसेस छोड़ती जैसे कार्बन मोनोऑक्साइड, हाइड्रोजन कार्बन, सल्फर ऑक्साइड जैसी हार्मफुल गैसेस बाइक निकालती है। अब बात यह आती है कार्बोरेटर या FI कौन सी ज़्यादा। देखिए जाहिर सी बात है मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि FI गाड़ियाँ जो होती हैं वो कंट्रोल्ड वे में चलती हैं, इसमें फ्यूल कम बर्न होता है, जितनी ज़रूरत है उतना फ्यूल ही बर्न होता है। आप कम स्पीड पे चलाएंगे कम फ्यूल बर्न होगा, कम पोल्यूशन होगा। स्पीड बढ़ाएंगे तो थोड़ा सा फ्यूल ज़्यादा बर्न होगा, पोल्यूशन ज़्यादा होगा, लेकिन वहीं कार्बोरेटर में एक बार सेट हो गया तो उतना ही बर्न होगा। तो जाहिर सी बात है कार्बोरेटर में पोल्यूशन ज़्यादा होता है और FIU में पोल्यूशन बहुत ज़्यादा कम होता है कार्बोरेटर के मुकाबले, तो यहाँ पर आपकी FI गाड़ी जीत जाती है। नेक्स्ट कॉस्ट की बात अगर अपन करें तो जाहिर सी बात है इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स, इलेक्ट्रिकल पार्ट्स ज़्यादा हैं आपके FI में, तो वो उसकी कॉस्टिंग आपको ज़्यादा पड़ेगी, कार्बोरेटर की सस्ती पड़ेगी। मेंटेनेंस भी उसका ज़्यादा हाई पड़ेगा, कार्बोरेटर का सस्ता पड़ेगा। कोई जो नया मैकेनिक है वो कार्बोरेटर भी आपका इजीली सुधार सकता है, लेकिन जो नया मैकेनिक है सीखा हुआ है वो FI इतने अच्छे से नहीं सुधार सकता, क्योंकि उसमें बहुत सी कोडिंग, बहुत से सेंसर इस्तेमाल किए जाते हैं। अब भाई एक और देसी चीज़ आती है पेट्रोल क्वांटिटी वाली, जो अपने लिए बहुत मायने रखती है। आपने देखा होगा आज से 5-7 साल पहले की अगर अपन बात करें तो मैं खुद मेरा ही एग्जांपल ले लेता हूँ भाई, कार्बोरेटर वाली बाइक्स होती थी, मैं तो खैर अभी भी वही इस्तेमाल कर रहा हूँ, तो 20 का भी पेट्रोल डला लेते थे, 30 का भी, 40 का भी, कभी कभी 10-15 का भी डला के चले गए ताकि दोस्त मांग के ना ले जाए। उससे कार्बोरेटर वाली गाड़ी को कोई नुकसान नहीं होता था, लेकिन अभी कहा जाता है कि जो FI वाली गाड़ियाँ होती है उसमें कम से कम आपको क्वांटिटी में 2-3 लीटर पेट्रोल रखना ही चाहिए, वरना उसके फ्यूल इंजेक्टर वगैरह ख़राब होने के डर रहते हैं। ऐसा नहीं कि पूरी तरीके से ख़राब हो जाती है गाड़ी, नहीं रखेंगे आप, ऐसा बिल्कुल नहीं है, लेकिन ऐसा कहा जाता है कि उसमें 2-3 लीटर रखना ही चाहिए। आपने खुद ज़्यादातर देखा होगा कि लोग उसमें पेट्रोल ख़त्म होने नहीं देते, उसका रीज़न यही है कि उसके जो इलेक्ट्रिकल पार्ट्स, इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स जो भी हों जल्दी ख़राब होने के चांसेस रहते हैं। अगर आप उसमें 20-30 रुपये जैसे पहले कार्बोरेटर में डलाते थे वैसा अगर पेट्रोल डलाएंगे तो। अब बात करते हैं ज़िंदगी मतलब लाइफ किसकी ज़्यादा है। देखिए जाहिर सी बात है भाई कार्बोरेटर आप देख रहे हैं कब से चलती हुई आ रही बाइक्स, कार्बोरेटर अभी भी लोग इस्तेमाल कर रहे हैं, 12-15 साल हो गए उनकी गाड़ियों को, कुछ नहीं होता। तो लाइफ स्पेन जाहिर सी बात है जो कार्बोरेटर वाली गाड़ियाँ होती हैं उनकी लाइफ ज़्यादा होती है, क्योंकि हर चीज़ उसमें ईजी टू मैंटेन होती है, ईजी टू हैंडल होती है, मैनुअली होती है, ऑटोमेटिक नहीं होती है। वहीं FI की बात करें तो मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि FI गाड़ी ख़राब हो जाएगी, बंद हो जाएगी, लेकिन अभी कुछ भी नहीं कह सकते, अभी और आगे चलेंगी तो पता चलेगा कि इनका लाइफ स्पैन कैसा होगा। लेकिन जैसा कि आप देख रहे हैं कार्बोरेटर गाड़ियाँ जब आई थी उनमें इतनी प्रॉब्लम्स नहीं आई थी, जैसा कि अभी FI जो गाड़ियाँ आ रही हैं सबको नहीं लेकिन बहुत से लोगों को बहुत सी प्रॉब्लम आ रही है, ECM के प्रॉब्लम, स्टार्टिंग प्रॉब्लम, गियर शिफ्टिंग प्रॉब्लम, बहुत सी प्रॉब्लम आ रही हैं। तो उस एतबार से देखा जाए तो लाइफ स्पैन जो है कार्बोरेटर वाली गाड़ियों का ज़्यादा अच्छा होता है। लास्ट पॉइंट बता के ख़त्म करता हूँ प्राइस की बात करें तो सेकंड हैंड लें या नहीं लें, कार्बोरेटर सस्ती ही पड़ेगी, नहीं तो मिलने से रही, और आपकी FI आपको महंगी ही पड़ेगी बिकॉज ऑफ पार्ट्स और सारी चीज़ों की वजह से।
तो गाइस ये थे कुछ बेसिक से पॉइंट्स जो मैंने आपको क्लियर कर दिए, आपको होप करता हूँ आपको नॉलेज भी मिला होगा और आप जब गाड़ी लेने जाएं तो आपको उस चीज़ में मदद भी मिले मेरे दिए गए नॉलेज से। और अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ भाई लोग, मैंने इस पर बहुत वर्किंग करके बनाया है, वीडियो को लाइक करिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा ताकि ज़्यादा से ज़्यादा ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो, ऑनरशिप रिव्यूज़ बाइक के, कार के, सब आपको रेगुलरली मिलते रहे। थैंक यू सो मच गाइज फॉर वॉचिंग द वीडियो।